गुजरात की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, मौसम विभाग के मुताबिक धीमी हुई तूफान की रफ्तार, दोपहर बाद जखाऊ पोर्ट से टकराएगा ये तूफान। गुजरात के 12 जिलों में तूफान की आशंका, चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद। तूफान बिपरजॉय के संकट के बीच में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जांबाजों ने दिखाया अपना दम, अब तक 75,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का जायजा लिया, राहत बचाव को लेकर की बात। बिपरजॉय के कहर के बीच में द्वारकाधीश मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश, पूजा पाठ कर गुजरात वासियों के सुख शांति की कामना की। 22 जून को अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वॉशिंगटन में हो रही हैं भव्य तैयारियां। अयोध्या की मणिराम दास छावनी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात, तबीयत का जाना हालचाल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी मिले सीएम योगी, मंदिर निर्माण को लेकर की चर्चा। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के पहले फेज का काम पहुंचा आखिरी चरण में, देश के पहले गांव वाणा को भी मास्टर प्लान बनाने की तैयारियां शुरू। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र का हो रहा है सौंदर्यकरण, वाइब्रेंट विलेज माणा से प्रेरणा लेकर जनपद के दूसरे गांव को भी किया जाएगा विकसित। अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंची ब्रिटिश रैप स्टेफन डॉन, हरमंदिर साहब में नतमस्तक होकर किया वाहेगुरु का शुक्राना। मथुरा में योगा वीक की शुरुआत, 21 जून को देश विदेश में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अमरनाथ यात्रा की तैयारी जोरों पर, सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ की विशेष डॉग स्क्वाड की तैनाती। पन्ना में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, तीर्थ स्थलों का किया गया चित्रण। मुंबई के बोरीवली में यात्री के लिए देवदूत बना जवान, संतुलन बिगड़ने पर ट्रेन से गिर रहे शख्स की बचाई जान। इसरो ने की चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी पूरी, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचा चंद्रयान 3, 12 से 19 जुलाई के बीच किया जा सकता है लॉन्च। नीट की परीक्षा में संगरूर के मलेर कोटला की प्रांजल अग्रवाल ने 715 अंक के साथ प्राप्त की इंडिया में चौथी रैंक, पंजाब और नॉर्थ इंडिया में हॉकी किया पहला स्थान। लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन, मैंगो फेस्टिवल में कई तरह के आमों की लगाई गई प्रदर्शनी, आमों से बने उत्पादों के भी लगे स्टॉल। महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का अनोखा आविष्कार, वेस्ट मटेरियल से तैयार 3-सीटर इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार चार्ज होने पर दौड़ेगा 70 किलोमीटर। राजस्थान के मंत्री रमेश मीणा ने करौली में महंगाई राहत केंद्र का दौरा किया, अपने जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। रामेश्वरम में पहली बार स्कूल आ रहे बच्चों का अनोखा सा स्वागत, गुब्बारों से सजी बैल और घोड़ा गाड़ी से स्कूल लाए गए बच्चे। ईटानगर से भारतीय राष्ट्रीय कार रैली का हुआ आयोजन, रैली को खेल और युवा मंत्री मामा नाटुंग ने दिखाई हरी झंडी। जयपुर में सिविल सर्विसेज परीक्षा में चयनित सदस्यों ने की सीएम अशोक गहलोत के साथ मुलाकात, सीएम ने अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। बाराबंकी में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावियों का हुआ सम्मान, यूपी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने सम्मान समारोह में शिरकत की। फिल्म आदिपुरुष की हुई रिकॉर्ड बुकिंग, फिल्म के अब तक 1 लाख एडवांस टिकट्स बिक गए हैं, कल सिनेमाघरों में रिलीज हो रही आदिपुरुष।